सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, आज हमारे पास ब्रुस्टो की तरफ से वुडलेस चारकोल पेंसिल्स, जो कि मुझे लगभग 435 रुपये की पड़ी थी अमेजोन पे या फिर ऑनलाइन, कितने की आती है वो मुझे नहीं पता। मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, 6 पेंसिल का सेट है एंड इसके ऊपर यहाँ पे अगेन कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, जो कि आप देख लेना अगर आप इसको परचेस करते हो तो। फटाफट से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और ऑनेस्टली मैंने वुडलेस चारकोल अभी तक यूज़ नहीं करा है। चारकोल स्टिक और जो चारकोल पाउडर है और चारकोल पेंसिल्स, वो मैंने यूज़ करे हुए हैं, तो ये मेरे लिए नया सा एक्सपीरियंस है। आप लोग बताओ, आप में से कितने लोग ऑलरेडी वुडलेस चारकोल यूज कर चुके हो और किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा आपका। जो भी मेरा एक्सपीरियंस और जो भी फर्स्ट इंप्रेशन होगा, मैं ऑनेस्टली बताने की कोशिश करूँगा। ओके, इस तरीके से देखने को मिलता है। ब्लैक कलर है, साइन कर रहा है और हाथों में होल्ड करके ना बहुत ही अमेजिंग सा फीलिंग है, प्रीमियम सा फील हो रहा है और राउंडेड शेप में है। तो लुक देख सकते हो, लुक बहुत अमेजिंग है। और मैं इसको अप्लाई करके देखता हूँ। मेरे पास ये मैंगो की तरफ से जो ड्राइंग पेंसिल पेपर है, मीडियम सरफेस वो है एंड यहाँ पे भी आप देखो ये वाली हार्ड है, हार्ड ग्रेड की एंड दो मीडियम है और 3 सॉफ्ट हैं, क्योंकि सॉफ्ट वाली जो है वो जल्दी खर्च होते हैं। ओके, जो सॉफ्ट वाले हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हैं, ये देखो। और जो एक्सपीरियंस है वो भी सही है, मैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक तो मुझे चारकोल का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसको मैं मिक्स करता हूँ, मिक्स। ओके, मिक्स ही यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और डार्कनेस देखो। और हार्ड वाली भी ये बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, जो चारकोल पेंसिल्स है ना उसके बहुत ज़्यादा सिमिलर है। बस इसके अंदर जो लीड होता है और ये कम्प्लीटली लीड होते हैं, इसमें कोई वुड नहीं होता। तो हालांकि उसकी वजह से ना ये इसका जो वेट है वो ज़्यादा है, क्योंकि वुड की जो वेट होती है वो कम होती है, तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, ये थोड़ा हैवी है। तो अगर आपको हैवी पेंसिल यूज़ करना पसंद आता है तो इसको आप जब होल्ड करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। और आउटकम तो मैंने देख ही लिया, अमेजिंग सा है। बट ये है कि मुझे लगता है ऑनेस्टली, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है चारकोल के ऊपर, बट मेरे हिसाब से अगर आपके पास नॉर्मल जो चारकोल पेंसिल्स हैं तीनों ग्रेड के, तो इसको लेने की उतनी खास ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम्प्लीटली चारकोल के ऊपर काम कर दे हो और बहुत ज़्यादा खर्च होता है, देन आपको ये बहुत काम आ सकता है। क्योंकि अगर लीड देखोगे तो इसकी जो थिकनेस है इतनी ज़्यादा नहीं होती, यहाँ पर आपको कम्प्लीट चारकोल देखने को मिलता है। तो ये आपको बहुत ड्यूरेबल होगा, बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होगा। और यहाँ पे सॉफ्ट की जो है 3 पेंसिल्स देखने को मिलती हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपके पास पेंसिल है तो आपको बिल्कुल इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे जैसे यूज़र हो, जैसे मैं बहुत ज़्यादा चारकोल यूज़ नहीं करता हूँ, तो मेरे लिए पेंसिल इनफ है। बट हाँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा चारकोल यूज़ करता हूँ तो तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। बहुत लंबे टाइम तक इसको आप यूज़ कर पाओगे और क्वालिटी अच्छी है प्राइस के हिसाब से। एंड इसका जो लुक है ना, और जब मैं होल्ड कर रहा हूँ तो एक बहुत ही बढ़िया सा प्रीमियम सा फील आ रहा है एंड बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नया इसमें एक्सपीरियंस नहीं था। अभी मुझे ये भी नहीं पता कि शार्प कैसे होती है, होपफुली ये नॉर्मल जो शार्पनर है उससे शार्प हो जाए, या फिर ये शार्प कैसे होती है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अच्छा, मैं इस पर ट्राई करके देखता हूँ।
एक तो राउंडेड वाली ना इसमें अच्छे से बैठती भी नहीं है। ओके तो इससे मैं शार्प कर सकता हूँ, जो नॉर्मल शार्पनर है उससे भी आई गेस मैं कर सकता हूँ। ओके तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर मैं बात करूँ रिकमेंडेशन की कि मैं रिकमेंड करता हूँ या नहीं, तो देखो ऑनेस्टली जैसे कि मैंने पहले बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है चारकोल का, बट हाँ जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया कि अगर आपके पास पेंसिल है, आप भी बहुत ज़्यादा चारकोल के ऊपर काम नहीं करते हो, बैकग्राउंड या फिर गिने चुने एरियाज में आप चारकोल यूज़ करते हो और बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता चारकोल, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसके पहले मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा था और मेरा काम चल रहा था। बट हाँ अगर आप चारकोल पे वर्क करते हो, आपका जो चारकोल पेंसिल है बहुत जल्दी खर्च हो जाता है, तो वहाँ पे ये आपको एडवांटेज देता ज़रूर है, क्योंकि कंप्लीट चारकोल होता है, लीड बहुत पतली होती है तो वो बहुत जल्दी खर्च हो जाती है, और प्राइस के हिसाब से लुक क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो रिकमेंडेड है, बट आप अपने हिसाब से देख लो कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस मीडियम पे काम कर रहे हो, आपको इस तरीके के जो टूल्स हैं उसकी ज़रूरत है या फिर उसके बिना आपका काम चल रहा है। क्योंकि अगर आपका बजट टाइट है और फालतू में आप इसको परचेस कर लो तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है। तो आप देख लो कि आपके रिक्वायरमेंट ये फिट हो रहा है कि नहीं। क्वालिटी वाइज अगर आप डाउट आपके मन में है तो मैं क्लियर कर देता हूँ, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लुक भी अमेजिंग सा है। तो मेरे हिसाब से यही रहेगा कि अगर आप कंप्लीट चारकोल पे काम करते हो तो आप इसको परचेस कर सकते हो। ओके गाइस तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।